दर्शकों नमस्कार, खबर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, जहां राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को पक्षियों के संरक्षण एवं उनके प्रति जागरूकता हेतु भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। कैंपियरगंज विधानसभा के विकासखंड जंगल कौड़िया के परम ज्योति इंटर कॉलेज रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया में लोगों को जागरूक करने हेतु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन प्रबंधक फूल सिंह के निर्देशन में किया गया। भाषण के दौरान बच्चों ने कहा कि हरियाली मनुष्य को ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी जीने की राह सिखाती है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण के विस्तार से पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। इससे गौरैया, तोता, सारस, मोर, उल्लू जैसे पक्षियों के जीवन पर संकट मंडराने लगा है। वहीं गिद्ध पक्षी आज पूरे उत्तर प्रदेश से गायब सा हो गया है। सुबह कभी गौरैया की चहचहाट से होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गौरैया जैसी प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। अब बाग बगीचे उजाड़ कर बहुमंजिला इमारतें बनाए जा रहे हैं। इससे पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन का असर पक्षियों पर भी साफ दिख रहा है। यदि समय रहते मोर, गौरैया व तोता, सारस, मैना जैसे जीवों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इनका जीवन इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। हम सबको आगे आकर पक्षी संरक्षण के लिए कदम बढ़ाना होगा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को प्रवक्ता निरंकार पांडे व रवि प्रताप सिंह द्वारा पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया गया। उक्त भाषण प्रतियोगिता के दौरान रामकृष्ण गुप्ता, अंकिता त्रिपाठी, वंदना साहनी, रीता चौहान, शिवानंद, मनीषा सिंह, रमेश यादव, अनुज यादव आदि ने भाषण प्रस्तुत कर सबको जागरूक किया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से जिला संवाददाता सुनील पाठक की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज सच के तहत, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। हम सब ने ये ठाना है पक्षियों को बचाना है। हम सब ने ये ठाना है पक्षियों को बचाना है। हम सब ने ये ठाना है पक्षियों को बचाना है। परम ज्योति इंटर कॉलेज में हम सब के द्वारा बीएड प्रशिक्षुओं और विद्यार्थियों के द्वारा राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम आयोजित की गई थी, जिसमें स्पीच कंपटीशन था, जिसमें बच्चों ने और सभी प्रशिक्षुओं ने जमकर पार्ट लिया और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, और जिन प्रशिक्षुओं और जिन बच्चों के विचार सबसे अच्छे थे उनको पुरस्कृत किया गया। और हम लोग सब ने प्रण लिया है कि हम सब पक्षियों की संरक्षण के लिए ध्यान देंगे। और समय में जैसे खेपड़ाइला रहता था तो वहाँ पे चिड़िया जो रहती थी घोंसला बना के हमारे घरों में रहती थी, लेकिन इस समय अगर पक्की मकान होने के कारण उसमें वो रहने का घोंसला नहीं है, इसलिए वो रह नहीं पाती है, जिसके कारण वो माइग्रेशन करके किसी दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, इसके कारण वो हमारे क्षेत्र में नहीं रह पाती। बनता है कि हम अपनी हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इन पक्षियों को देखें, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी तो कहेंगे कि हंस कैसा होता है, कबूतर कैसे होते हैं, जब ये सब रहेंगे ही नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इन सब के बारे में जान ही नहीं पाएंगी। तो इसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसके संरक्षण के लिए उनके संरक्षण के लिए अपने गर्मी के समय में छत पे पानी रखें और दाने डाल दें, जैसे भूखी और प्यासी चिड़िया उनको पिएंगी तो संरक्षित रहेंगी। मतलब आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।